बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ऑर्गेनेल डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द राइबोसोम्स। नाउ व्हाट आर द राइबोसोम्स? सोम्स के पीछे लफ्ज़ी मतलब होता है सेल बॉडीज, सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स। राइबो का क्या मतलब है? मतलब ये जो सेल के मौजूद जो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। क्या मतलब? हमने बेटा न्यूक्लियस में पढ़ा था कि एक डार्क कलर की बॉडी होती है न्यूक्लियोलस, जिसको राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहा जाता है, कि जहाँ पे अ नंबर ऑफ द राइबोसोमल आरएनए एसोसिएट होते हैं, आपस में असेंबल होते हैं और राइबोसोम्स बनाते हैं। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन्स। ये होते किधर है बेटा? राइबोसोम सेल में कहाँ पर मौजूद होते हैं? अगर बेटा मैं सेल बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊँ, दरमियान में ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो या तो ये बेटा फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं सेल के अंदर, ये सेल के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं और अ नंबर ऑफ द राइबोसोम सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इधर ये दे आर फ्रीली फ्लोटिंग, या ये अटैच होते हैं ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स के साथ। ये खास किस्म की ऑर्गेनाइज होती हैं, चैनल्स होती हैं, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, या ये राइबोसोम बेटा इनके साथ अटैच होते हैं, ये राइबोसोम्स। या तो बेटा ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, या ये अटैच होते हैं किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इनकी कंपोजिशन मैंने बता दी, देयर कंपोज ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। राइबोसोम्स को एक्चुअली बेटे ऑर्गेनाइज नहीं कहा जाता, दीज आर नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज। इनको राइबोसोम्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉट बाउंडेड बाई द सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स के अराउंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। यही वजह है कि राइबोसोम प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन फ़र्क साइज़ का होता है। यूक्रियाटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द प्रोक्रियाटिक सेल। एक साइंटिस्ट बेटा स्वेडबर्ग नाम का, जिसने साइज़ मुतय्यन किया था यूक्रियाटिक सेल में, राइबोसोम्स होते हैं 80S के और प्रोक्रियाटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं। ठीक होगी बात? राइबोसोम्स की अगर हम बात करें बेटा जी, राइबोसोम्स दो स्ट्रक्चर्स, दो यूनिट्स में मुश्तमिल होता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट, ऊपर वाला जो होता है टॉप वाला, इसको हम कहते हैं लार्जर सब यूनिट, और जो सेकंड वाला है नीचे, इस ये जो छोटा है इसको हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। और ये आपस में बच्चे बाउंड होते हैं बाय द मैग्नीशियम आयंस। ये दोनों सब यूनिट्स आपस में मैग्नीशियम आयंस के जरिए बाउंडेड होते हैं। जब ये काम नहीं कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर नॉट वर्किंग, तो ये दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे से डिसअसेंबल हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लार्जर वाला बेटा अलग हो जाता है और स्मॉलर वाला अलग हो जाता है। व्हेन दे आर नॉट वर्किंग, इनके जो लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स है डिसअसेंबल हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जब इन्होंने काम करना होता है तो मैग्नीशियम आयंस के जरिए बेटा ये रिकम्बाइन होते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेते हैं। काम इनका क्या होता है बेटा राइबोसोम्स का? राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मतलब ये है कि ये प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। राइबोसोम्स आर कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, या इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इंजन ऑफ द सेल। वाई दे आर कॉल्ड द इंजन ऑफ द सेल? क्योंकि बेटा जी इनका काम क्या है? प्रोटीन्स बनाना। किसी भी सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज करने के बाद, उसकी तोड़ फोड़ के बाद, इसको मेटाबलाइज करने के बाद जो है वो बहुत से सेलुलर फंक्शन कैरी आउट किए जा सकते हैं। यही वजह है कि राइबोसोम्स जो हैं, अ नंबर ऑफ द राइबोसोम जो है वो सेल के अंदर पाए जाते हैं। एंड राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, और इट इज़ कॉल्ड द इंजन ऑफ द सेल, बिकॉज बहुत से सेलुलर फंक्शन जो है राइबोसोम्स की प्रोटीन सिंथेसिस पर डिपेंड करते हैं। होप सो कि आपको यहाँ तक चीज़ समझ आ गई हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।